वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम और रेलवे भर्ती एग्जाम के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा हिंदी का फर्स्ट पार्ट है। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर हिंदी की वीडियो अपलोड करिए, तो आज से हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। ये हिंदी का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम हिंदी साहित्य के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिंदी में आप मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब तो आप याद कर लेते हो, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं हिंदी साहित्य के। तो मैंने डिसाइड किया है पहले मैं आपको हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इतने क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाएंगे तो हिंदी साहित्य का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हिंदी साहित्य के सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि सभी लोग विलोम शब्द सब याद कर लेते हैं, पर्यायवाची सब याद कर लेते हैं, तत्सम शब्द सब याद कर लेते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़कर चले आते हैं या गलत करके चले आते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, समास, ये सब डिस्कस करेंगे। तो पहले हिंदी साहित्य के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये पहला पार्ट है और आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, आप उस बटन पे क्लिक करके बराबर वाले बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हिंदी साहित्य से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे फर्स्ट नंबर पर रखा है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। अब यहां पे आई है बात आदिकाल की, तो यहां पे मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, इसे आप नोट कर लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को चार प्रमुख कालों में डिवाइड किया गया है, चार प्रमुख काल, और ये कौन से हैं? पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। इन्हें आप नोट करिए, हर चीज को यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, तो जो भी वीडियो में मैं आपको बताता हूं उसे आप नोट किया करो। तो हिंदी साहित्य को चार प्रमुख कालों में डिवाइड किया गया है। पहला है आदिकाल, और आदिकाल आप लिख के उसका टाइम लिखिए 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी, आदिकाल। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल काल का टाइम क्या है? 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल का काल टाइम कितना है? 1650 से 1850। और लास्ट कौन सा है? चौथा है आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय कितना है? 1850 ईस्वी से अब तक। तो ये आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य को चार प्रमुख कालों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है आदिकाल, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। और ये जो मैंने आपको बताए हैं चारों काल, ये आप नोट करिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला कौन कब से कब तक है, आदिकाल कब से कब तक है। जब टफ क्वेश्चन पूछना होता है तब ऐसे पूछता है कि आदिकाल का समय कितना है, तो 650 से 1350। पूर्व मध्यकाल का कितना है इसका? 1350 से 1650। और पूर्व मध्यकाल को ही कहा जाता है भक्ति काल, तो ये भी आप नोट करिए। इसे कई बार पूछा जाता है कि पूर्व मध्यकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में दे देगा भक्ति काल, रीति काल, ऐसे कई ऑप्शन बना देगा। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और ऐसे ही उत्तर मध्यकाल को रीति काल के नाम से जाना जाता है। तो इनके ये दोनों नाम नोट कर लीजिए, ये पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के जितने क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर देंगे, इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जितना मैं यहाँ पे वीडियो में आपको दे देता हूं और जितना मैं आपको डिस्कस करके जो वीडियो के साथ बताऊंगा, इतना आप नोट कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बावनी किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है शिवा बावनी। जितनी भी रचनाएं पूछी जाती है मैं सारी इस वीडियो में मेंशन करूंगा। तो शिवा बावनी है भूषण की रचना, किनकी है? भूषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन हैं? तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? तितली है जयशंकर प्रसाद की रचना। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद की और भी रचना है, मैंने इन सबको अलग अलग लिखा है। अब ये अलग अलग लिखने का पर्पज क्या है, मैं चाहता तो यहाँ पे सीक्वेंस में पहले जयशंकर प्रसाद की लिख देता, उसके बाद महादेवी वर्मा की लिख देता,
तो मैंने इनको अलग अलग इसलिए लिखा है कि जब भी अगला क्वेश्चन आए तो आपको पुराना याद आना चाहिए। जैसे तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की एक और फेमस रचना है कामायनी, वो भी बहुत पूछी जाती है। तो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ें कि तितली किसकी रचना है, तो आपके माइंड में आना चाहिए इनकी और कौन सी फेमस रचना है, तो कामायनी। इसीलिए मैंने इन सबको अलग अलग लिखा है कि आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र। ये अतीत लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी, महादेवी वर्मा की। जितने भी क्वेश्चन यहां पर लिख दिए हैं इन सबको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव किसकी रचना है। पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत की रचना। किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि किसकी रचना है। चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की। और रामचंद्र शुक्ल ने ही आदिकाल को क्या कहा था, वीर गाथा काल। किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऐसे आप लिंक कर करके क्वेश्चन को याद करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनमेजय का महायज्ञ किसकी रचना है। ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कौन सी लिखी थी, तितली। अब क्या लिख दिया मैंने, जनमेजय की महायज्ञ। तो ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। तो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ें तो आपको तुरंत याद आना चाहिए इनकी एक और कौन सी रचना है, तितली, और एक और कौन सी है, कामायनी। इस तरह से आपको याद करने हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी की नायिका का नाम क्या है। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि कामायनी में जो नायिका है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है श्रद्धा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। हिंदी के प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है। तो यह है उत्तंड मार्तंड। क्या है, उत्तंड मार्तंड हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र है। जितनी भी पत्र पत्रिका है जिसमें हिंदी प्रदीप बहुत पूछी जाती है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, ये बहुत पूछी जाती है। ये आगे आने वाले वीडियो में मैं सब डिस्कस करूंगा। एक भी क्वेश्चन हिंदी का हम छोड़ेंगे नहीं जो आपसे पूछा जाए और मैंने आपको ना बताया हो। तो आप सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते रहिए। तो हिंदी का पहला प्रकाशित पत्र कौन सा है, उत्तंड मार्तंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ट्रिपल मोस्ट लिखा है, तो बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। प्रेमचंद के बहुत ही फेमस फेमस उपन्यास हैं जिसमें गोदान है, निर्मला है, कर्मला करबला है, गबन है, ये सभी प्रेमचंद के बहुत, रंगभूमि कर्मभूमि, ये प्रेमचंद के बहुत फेमस फेमस उपन्यास हैं। ये जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पूछे जाते हैं, और आगे मैं थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे ये सभी डिस्कस भी करूंगा। एक साथ नहीं लिखूंगा, एक साथ लिखने से होता क्या है, आप एक साथ पढ़ लेते हैं और आपको लगता है कि याद हो गया, और वो आपको याद नहीं होता है। तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र। और प्रेमचंद की एक कहानी आपने बचपन में बहुत पढ़ी होगी, ईदगाह, तो वो भी पूछी जाती है, तो वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैताल पचीसी किसकी रचना है। ये है सुरति मिश्र की रचना, बैताल पचीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहाग के नूपुर किसकी रचना है। ये है अमृतलाल नागर की रचना। सब आपको याद करना है, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सब याद करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के चार अध्याय किसकी रचना है। यह है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। अभी हम हिंदी साहित्य के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, समास, सब डिस्कस करेंगे, एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। जिसमें से हमने तत्सम तद्भव की ये वीडियो अपलोड कर दिया है, इस वीडियो को 15 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, इस वीडियो को आप देखने के बाद तत्सम तद्भव आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ऐसे ही हमने समास की वीडियो अपलोड कर दी है, समास की ये वीडियो है, इसे भी आप देखिए। जो वीडियो हिंदी के हम अपलोड कर चुके हैं उन्हें आप देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल किसकी रचना है। तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, अशोक के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है झरना किसकी रचना है। झरना है जयशंकर प्रसाद की रचना। अभी मैंने आपको क्या क्या बताई थी, जयशंकर प्रसाद की रचना है, कामायनी बताई थी, जयशंकर प्रसाद की रचना है कौन सी, कामायनी बताई थी मैंने आपको, उससे पहले कौन सी बताई थी, तितली बताई थी। तो ऐसे जब अगला क्वेश्चन पढ़ें तो पिछले क्वेश्चन आपको याद आ जाने चाहिए। इसी तरह को
पढ़ने का आपका पैटर्न होना चाहिए, यही आप अपने पढ़ने का पैटर्न बनाइए और पुराने क्वेश्चन रिकॉल किया किया जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप रिकॉल करिए अपने माइंड में, आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? यह है मैथिली शरण गुप्त की रचना। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? यह है सरहपा की रचना। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोहा कोश, बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर है लल्लू लाल की रचना। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पंच परमेश्वर किसकी रचना है? यह है प्रेमचंद की। मैंने अभी आपको प्रेमचंद के उपन्यासकार याद कर उपन्यास बताए थे, निर्मला कर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सभी प्रेमचंद के बहुत फेमस फेमस उपन्यास हैं, इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे तो ये आपने रचना पढ़ी होगी, वह तोड़ती पत्थर। यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार की जीत किसकी रचना है? यह है सुदर्शन की रचना, हार की जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? यह है मुंशी इंसाउल्लाह खां की कहानी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? मुंशी इंसाउल्लाह खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? यह है बाल मुकुंद गुप्त की रचना, शिव शंभू के चिट्ठे। तो ये था हमारा हिंदी का पहला वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, गोदान किसका उपन्यास है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोदान किसका उपन्यास है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। आप इस वीडियो की और हमारी सभी पुरानी वीडियोज की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।